वर्ल्ड के टॉप 10 एक्शन से भरे धमाकेदार मार्शल आर्टिस्ट, जिन्होंने कुंग फू और मार्शल आर्टिस्ट की दुनिया में बनाया है अपना मुकाम। और आज की वीडियो में पता करने वाले हैं आखिरकार वो कौन कौन से धमाकेदार फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है टॉप 10 मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड रैंकिंग में। और विदू जामवाल या फिर कहें हमारे टाइगर श्रॉफ की क्या पोजीशन है इन टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग में। साथ ही साथ आपको चुनना है आपका फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट और वोट करना है आपके हिसाब से कौन है नंबर 1 इन टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में। तो अपना वोट कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं लाइक का बटन दबा करके। साथ ही साथ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यहाँ पर रैंकिंग नंबर 1 पर है सालों से अपने जगह बनाए हुए धमाकेदार फाइटर, यानी कि ब्रूस ली, और इनके जैसा धमाकेदार फाइटर अभी तक नहीं आया है और शायद ही आएगा। और इनकी टैलेंट के तो क्या चर्चे कि कैमरास भी इनके टैलेंट को कैप्चर नहीं कर पाते थे, इतनी स्पीड इनकी बॉडी मूवमेंट हुआ करती थी, वो भी उस जमाने में। दोस्तों यहाँ पर रैंकिंग नंबर 2 पर है ब्रूस ली सर के सक्सेसर यानी कि जैकी चैन, जो कि एक्शन और स्टंटिंग फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं। एक से एक धमाकेदार स्टंट और पार्कोर जंप आपको देखने को मिल जाएंगे। शायद ही इनके जैसा बेहतर स्टंटिंग एक्शन हीरो जो कि मार्शल आर्ट को इतनी बखूबी परफॉर्म कर पाता है फिल्मों में, वो है जैकी चैन। दोस्तों तीसरे नंबर पर है, यहाँ पर जब भी बात आती है तलवारबाजी की तो इनके चर्चे तो पूरे दुनिया भर में है। दोस्तों तीसरे नंबर पर यहाँ पे जगह बनाए हैं द स्वॉर्ड वॉरियर जेट ली, क्योंकि दोस्तों हर फिल्म में है ये माहिर, चाहे वो कुंग फू मार्शल आर्टिस्ट या फिर तलवारबाजी। दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर पर है, अगर आप ईप मैन सीरीज देखे हैं तो आप इनको बखूबी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर पर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइटर किंग डोनी यन, जो कि हॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में में काम कर चुके हैं और इनकी स्पेशलिटीज है हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट फाइट, और साथ ही साथ ये बहुत बेहतर तलवारबाजी भी करने के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों पांचवे नंबर पर है यहाँ पर मिचेल योय, जो कि बहुत चाइनीज एंड हॉलीवुड फिल्मों में काम कर चुकी हैं। और दोस्तों छठे नंबर पर है हिंदुस्तान की शान, हम सभी की जान, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले इन मार्शल आर्टिस्ट, बॉलीवुड के खतरनाक स्टंटिंग हीरो या फिर कहें धमाकेदार एक्शन हीरो विदू जामवाल, जिन्होंने इसी साल टॉप 10 वर्ल्ड मार्शल आर्टिस्ट रैंकिंग में अपनी जगह 6th पोजिशन पर बेशुमार की है और इंडिया का नाम उन्होंने रोशन किया है। और बॉलीवुड में तो दोस्तों शायद ही विदू जामवाल जैसा एक्शन और स्टंट करने वाला हीरो है जो अपने एक्शन को खुद ही परफॉर्म करता हो। और दोस्तों सातवें नंबर पर है वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्शल आर्टिस्ट, साथ ही साथ धमाकेदार हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट फाइटर टोनी जा, इनके भी चर्चे पूरे वर्ल्ड वाइड में कम नहीं, ये भी एक बहुत बेहतर एक्टर है साथ ही साथ मार्शल आर्टिस्ट। और खासकर ऑन बैक द थाई वॉरियर सीरीज तो पूरे वर्ल्ड वाइड में टोनी जा सर की शौक से देखी जाती है, वो भी अलग अलग भाषाओं में। और दोस्तों आठवें नंबर पर है मिचेल जॉय वाइट, जो कि एक अमेरिका के धमाकेदार मार्शल आर्टिस्ट है, बहुत बेहतरीन बेहतरीन फिल्में ये दे चुके हैं एक्शन से भरी धमाकेदार। और दोस्तों नौवें नंबर पर है सैमो होंग, इन्हें आप जरूर से पहचानते होंगे, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया हुआ है, सपोर्टिंग रोल में ज्यादातर फिलहाल ये नजर आते हैं, लेकिन इनके भी क्या कहने, ये भी एक
बहुत ही बेहतर मार्शल आर्टिस्ट हैं और इन्होंने जेटली, डोनी नियन और जैकी चैन के साथ भी काम कर चुके हैं। और दोस्तों दसवें नंबर पर है, इनसे आप जरूर वाकिफ होंगे, साथ ही साथ इनका एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल है जो कि ऑसम एक्शन और मार्शल आर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर सिखाते रहते हैं। ये है स्कॉट एटकिंस, साथ साथ एक से एक फिल्मों में ये नजर भी आ चुके हैं। और दोस्तों अगर बात करें हमारे टाइगर श्रॉफ की वर्ल्ड वाइड मार्शल आर्ट रैंकिंग क्या है, तो फिलहाल टॉप 10 में तो उन्होंने अपनी जगह नहीं बनाई है। हालांकि बेशक जब भी बात आएगी टॉप 15 में तो उनका भी नाम आसानी से इस लिस्ट में बेशुमार कराया जाएगा। साथ ही साथ टाइगर श्रॉफ तो फिलहाल है एक बहुत ही टैलेंटेड इमर्जिंग मार्शल आर्टिस्ट जिनका सफर अभी बहुत लंबा है, जिन्हें अभी बहुत ही आगे जाना है। हालांकि हो सकता है एक से दो साल में टाइगर श्रॉफ भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। और दोस्तों अब है आपकी बारी, कमेंट करना है आपको आपके फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट का नाम कमेंट बॉक्स में, तो जरूर से अपने फेवरेट मार्शल आर्टिस्ट का नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप सबसे मुलाकात होगी दूसरे बड़ी धमाकेदार वीडियो में, चलता हूँ, गुड बाय। साथ ही साथ दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन में ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर वीडियोस हम लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू ब्रांड टेलीग्राम चैनल को टॉप 10 फैक्ट, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन हमें, कुछ टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे दिया है। इसका बटन दबा करके सोशल मीडिया हैंडल के साथ जुड़ने के लिए बहुत इजी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप टॉप 10 फैक्ट के ऑफिशियल पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हो। तो साथ ही साथ अगर आपने हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहां जरूर अभी तक फॉलो करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी दूसरी बड़ी वीडियो में, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय। और दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है लिंक, आप हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज को फॉलो और लाइक कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे न्यू ब्रांड टेलीग्राम चैनल को टॉप 10 फैक्ट, जिसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन हमें, कुछ टॉपिक हमें सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम आईडी लिंक दे दिया। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आप सभी से मुलाकात होगी दूसरी बड़ी वीडियो में, चलता हूँ दोस्तों, गुड बाय।